थंबनेल को देख के अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप सही जगह आए हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हुआवे और हॉनर्स के जो फ़ोन है उनको अपडेट आना क्यों बंद हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपका फ़ोन कौन सा है, आपने कब परचेज़ किया था, आपके फ़ोन को कितने साल हो चुके हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मान के चलता हूँ मैं। मेरे पास में ऑनर 8X है और ये जो फ़ोन है ये लॉन्च हुआ था 2018 में और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आती है वो 8.1 आती है ओरियो। और इसके बाद में जो भी अपडेट आए हैं, तो अभी तक के कितने अपडेट आए हैं इसके अंदर, तो ये मैं सभी फ़ोन के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऑनर 8X के बारे में ही बता रहा हूँ। एक एग्जांपल उस पे से आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग कब हुई, उसके साथ में कौन सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, तो उसके हिसाब से आप समझ जाओगे कि आपको कौन सा वर्जन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हुआवे और हॉनर्स के फ़ोन के अपडेट के बारे में और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो को लाइक कर दो। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा हुआवे और हॉनर के बारे में तो उसका वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे ऑनर 8X की, जो कि मेरे पास में फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, शूट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास में हॉनर का फ़ोन है और हुआवे और हॉनर ये दोनों एक ही है, मतलब सब ब्रांड है हॉनर हुआवे का। तो दोनों के जो अपडेट वगैरह है वो सेम ही रिलीज़ होते हैं, हालांकि फ्लैगशिप फ़ोन रहते हैं उनके अंदर आपको जल्दी देखने को मिलता है जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये हो गई बात दूसरे फ़ोन की, मतलब जो फ्लैगशिप वगैरह फ़ोन है। तो हम नॉर्मल बात कर लेंगे हमारे 20 to 30 thousand जो भी प्राइस रेंज है हमारे फ़ोन की, हुआवे और हॉनर दोनों के, दोनों का कंबाइन बताने वाला हूँ, क्योंकि दोनों सेम ही है, EMUI के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आप भी अपने फ़ोन का जो भी मैन्युफैक्चर है, डेट है, तो वो चेक करके उसके अंदर आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और उसके कितने साल बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नया लेटेस्ट वाला जो कुछ भी है वो मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो सब मुझे कमेंट में बताना आप कि आपका कब का मैन्युफैक्चरर और आपको कौन सा अपडेट मिला हुआ है। ठीक है, तो देखिए, मेरा ऑनर 8X मोबाइल है, ये ऑनर 8X फ़ोन जो है ये 2018 के अंदर लॉन्च हुआ था, एंडिंग में कुछ तो भी नवंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में था, शायद से अक्टूबर ही है, तो अक्टूबर के इसमें लॉन्च हुआ था। तो 2018 से फिर उसके अंदर 8.1 हमको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड का वो देखने को मिला था ओरियो। फिर उसके बाद में हम 2 साल पकड़ के चलते हैं, क्योंकि हर फ़ोन का एक ही फंडा है। आप कोई भी कंपनी का फ़ोन ले लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हुआवे और हॉनर और अदर भी, आप दूसरे भी कंपनी के अंदर जाओगे तो सेम पैटर्न ऐसा ही है, आपको 2 साल तक के अपडेट इसका मिलेगा, इसके बाद में इसका अपडेट जो है आपको बंद हो जाएगा मिलना। ठीक है, तो देखिए आप कैसा स्टेप बाय स्टेप आपको अपडेट मिलता है। ठीक है, 2018 के अंदर हमको ओरियो अपडेट मिला था 8.1 का, फिर बाद में 19 में इसके अंदर हमको 9.1 का जो अपडेट है वो देखने को मिला था। ठीक है, तो ये हो गया 1 साल इसके बाद में। फिर बाद में आता है हमारा दूसरा साल, तो 2020 के अंदर हमको एंड्रॉयड 10 देखने को मिला और इसके बाद से हमको ये फ़ोन में कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला। और अब आप सोचेंगे कि हम हमारे फ़ोन का कैसा चेक करना है, तो ठीक है, अब देखिए मोबाइल 91 एक साइट है, ऐप भी है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूँ वो साइट का या ऐप का। आप कोई भी डायरेक्ट गूगल कर लीजिए अपने फ़ोन के बारे में, ठीक है, उसके अंदर पूरा स्पेसिफिकेशन आने को होना डिटेल में। तो स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको आपके फ़ोन का जो मैन्युफैक्चर डेट है कब लॉन्च हुआ था तो वो मिल जाएगा, उसके बाद में उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तब कौन सी लॉन्च किया था, मतलब इंस्टॉल थी उसके अंदर, तो वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो 2018 के अंदर तो नॉर्मली 8.1 ही लेटेस्ट था, तो वो हिसाब से फिर हमको ये फ़ोन के अंदर जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर हमको वही मिला, तो आप अपना चेक कर लेना। ठीक है, ये हिसाब से देखिए, ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना होते हुए मैं आपको एक सीधा फंडा बता देता हूँ। कंपनी क्या करती है, कंपनी कोई भी मोबाइल को 2 साल तक के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करती है, उसके बाद में कैसा कंपनी भी नए नए फ़ोन जो है वो लॉन्च करती रहती है। तो उनका कहना ऐसा है कि हम पुराने फ़ोन को सिर्फ 2 साल तक के ही उनका जो अपडेट है वो प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद में हम बंद कर देंगे। ज़्यादा ज़्यादा साल भर में सिक्योरिटी पैच मिलेगा या फिर वो भी बहुत मुश्किल है, मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी तो कुछ कहते नहीं आता। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा फंडा ऐसा है कि जो फ्लैगशिप फ़ोन है तो उनको जो कंपनी है ये प्रोवाइड करेगी, आपकी जो जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट है ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये उनको प्रोवाइड करेगी कंपनी। उन तो आपका कहना होगा उनको क्यों प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो कंपनी का कहना है कि इन्होंने फ्लैगशिप फ़ोन जो है परचेज़ किया, इन्होंने जो पैसा है बहुत ज़्यादा पे किया है फ़ोन के लिए, तो इनको अपडेट मिलना लाजमी है। ठीक है, तो वो अपडेट उनको प्रोवाइड करेंगे, हालांकि अपने को जैसा 2 साल तक के मिलेगा तो उनको ज़्यादा ज़्यादा 3 साल या फिर 4 साल तक के, ऐसा कुछ तो भी उनका फंडा है, ऐसा कुछ उनका मतलब राइटिंग में नहीं है,
कि हम 2 साल तक के आपको प्रोवाइड करेंगे या 3 साल तक के प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा उन्होंने कुछ भी राइटिंग में नहीं दिया है, ना गूगल आप करेंगे तो उसमें दिया है, ना किधर भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये एक सिक्स सेंस की बात है, मैंने जितना भी स्टडी किया है अपडेट के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैं अपडेट के पूरे वीडियो बनाता था हुआवे हॉनर्स के, ओप्पो वीवो सैमसंग वगैरह जितने भी अपडेट वगैरह मोबाइल के आते हैं, तो सबके अपडेट की मैं वीडियो बनाता था। उस पे से मुझे ये समझ में आया कि कोई भी कंपनी 2 साल तक के आपको अपडेट प्रोवाइड करती है, उसके बाद में अपडेट आना बंद हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी पैच आपको अपडेट मिलेगा, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं मिलता। तो ये तो होगी बात 8.1 यूज़र्स की, जो भी यूज़र्स 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। उसके बाद में 9.1 मिला, फिर बाद में 10 का वर्जन मिला, ठीक है। तो बस यहाँ तक के उनको सीमित है, इसके बाद में अपडेट नहीं मिलेगा। इसके बाद में जो भी फ़ोन्स वगैरह होंगे जिन्होंने परचेस किए होंगे, जिनके अंदर पहले से 9 का एंड्रॉयड अपडेट आया होगा, तो उनको एंड्रॉयड 10 मिला है, तो उसके बाद में एंड्रॉयड 11 उनको भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि जो 9 वाले हैं उनको 10 तक के ही मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनके लिए भी कंपलसरी है 2 साल तक के अपडेट मिलने वाला है, मतलब 2 वर्जन उनको अपडेट करना कंपलसरी है, ठीक है। जैसे कि जो भी 9 का अपडेट जिनके मोबाइल में होगा उनको 10 का मिलेगा, 11 का भी मिलेगा, ठीक है, ये समझ के बाद। इसके बाद में आता है फिर डायरेक्ट एंड्रॉयड 10, जो भी फ़ोन मतलब जिन्होंने अभी परचेस किया होगा एंड्रॉयड 10 के अंदर, तो उनको एंड्रॉयड 11 भी अपडेट आएगा, और फ्यूचर में जो कोई एंड्रॉयड का अपडेट आएगा वो भी उनको अपडेट आने वाला है, मतलब वो भी 2 साल वो पकड़ के चल सकते हैं। तो इतने देर से मैं 2 साल का अपडेट 2 साल का अपडेट ऐसा बकवास कर रहा हूँ, तो ये बकवास वगैरह कुछ भी नहीं है, रियल फैक्ट है, ठीक है। 2 साल तक के आपको अपडेट मिलने वाला है, चाहे आप आज के तारीख में परचेस करो 2021 में, तो आपको 2023 मतलब जैसा अभी एंड्रॉयड 11 चल रहा है, तो उसके बाद के 2 साल के अपडेट आपको मिलने वाला है, ठीक है। और जिन्होंने परचेस किया है बैक साइड में मतलब पिछले सालों में, तो उनको वो हिसाब से अपडेट मिलने वाले हैं 2 साल के, ठीक है। तो दो साल बहुत बार बोल दिया मैंने, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और आपका कौन सा फ़ोन है, आपके फ़ोन में कौन सा OS एंड्रॉयड जो है वो इंस्टॉल है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।